So, आई थिंक वी सॉ टिल डेरिवेटिव वाला पार्ट, है ना? हम लोगों ने डेरिवेटिव करना सीखा पूरा का पूरा, हाउ टू अप्लाई दैट डेरिवेटिव. आई ऑल्सो गेव यू द होमवर्क, आई ऑल्सो टोल्ड यू द फॉर्मूले. वील ट्राई टू लर्न इंटीग्रेशन टू, बट अभी नहीं है. पहले ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू इंटीग्रेशन वाला पार्ट, कि इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते, उसके इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. सो बिफोर आई बिगिन, आई वॉन्ट यू टू डिस्कस, आई वॉन्ट या ग्राफ स्टार्ट करते. द मेन ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे आर पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने जर्नी को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी पोजीशन टाइम ग्राफ. देयर इज अ रूल अबाउट ग्राफ, यू हैव टू प्लॉट टाइम ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज, बट कभी कभी वो टाइम यहाँ पे भी दे देते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. बट इन स्टैंडर्ड वे वी प्लॉट टाइम ऑन एक्स एक्सिस. ओके, तो टाइम कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे. एंड ऑन अवर वाई एक्सिस वी हैव अदर क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट पोजिशन. सो फर्स्ट ग्राफ इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, एक एग्जाम्पल लेते हैं गाड़ी का. ऐसे समझते हैं कि अपना जो गाड़ी है वो गाड़ी मूव भी नहीं हो रहा है. सो लेट्स क्रिएट अ गाड़ी, 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 गाड़ी. लेट्स क्रिएट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में ये पॉइंट हुआ 0, ये पॉइंट हुआ 10, ये पॉइंट हुआ 20, ये पॉइंट हुआ 30. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर व्हीकल? 30, 40, नहीं 30, 30, 30. हाँ, तो वी गॉट द पोजीशन राइट. तो आपको पोजीशन का कंसेप्ट तो समझ गया. नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. तो ये ग्राफ है आपका, ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव एक्स, ऑन योर एक्स एक्सिस यू हैव टी. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा बट स्लो जाता हूँ. ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव एक्स, दैट इज पोजीशन. ऑन योर एक्स एक्सिस यू हैव टाइम. ओके, सो दिस इज योर एक्चुअल वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्चुअल एक्स एक्सिस. तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग स्टडी करते हैं इस ग्राफ को. बट वॉट वी आर गोना डू, वी आर गोना प्लॉट द ग्राफ. तो हम लोग को ना पॉइंट्स लगेंगे ना. तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6. And over here, let's plot the displays, position 10, 20, 30, 40, 50. Okay. You need to understand one thing, that our object is at rest. Okay. Object rest पे है. मैंने experiment चालू किया, मेरे हाथ में घड़ी है. I'm starting at 0 second. जब मेरा time 0 second था, तो मेरा object कहाँ पे है रे? What is the position? 30. सो आई एम गोना राइट इट लाइक दिस. 0 के लिए 30, मैंने पॉइंट मार्क किया. वॉट अबाउट 1? जब टाइम 1 second हुआ तब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? 30, बिकॉज व्हीकल रेस्ट पे है. द व्हीकल इज नॉट गोना मूव, योर टाइम गोना गो अहेड, बट व्हीकल द सेम लोकेशन पे है. तो मैंने 30 और इस पॉइंट के लिए मार्क किया. सिमिलरली 2 second पे भी 30 होगा, 3 second पे भी 30 होगा, 4 second पे भी 30 होगा. टू ड्रॉ द ग्राफ यू नीड टू कनेक्ट दिस डॉट्स and you will get a graph which is nothing but a straight line, straight horizontal line. Graph kaise aaya, samjha? Sir. Very good, very good, very good, very good. इसमें तो लेकिन rest था ना, लेकिन जब rest नहीं रहेगा तब. तो अभी करेंगे ना, उसमें क्या है? तो तेरे को क्या लगा? एक ही graph सिखाऊंगा मैं आज के lecture में. We are gonna study more graphs. So let us study another scenario. And in another scenario, what is gonna happen? Your vehicle is now gonna move with some uniform velocity. सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने कांस्टेंट स्पीड होगा उसका. सो लेट्स से इफ द व्हीकल इज मूविंग विद 5 meter per second, इट इज गोना कंटिन्यू विद 5 meter per second. ओवर हियर आई वांट यू टू रिमाइंड समथिंग, एंड दैट रिमाइंडर इज अबाउट 9th standard chapter 1. देयर वाज वन ग्राफ दैट दे गेव यू टू प्लॉट. इन दैट ग्राफ दे गेव द डेटा ऑफ एक्स एंड डेटा ऑफ टी. कुछ ऐसा ग्राफ था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15, ऐसा समथिंग डेटा था. एंड यू प्लॉटेड दैट ग्राफ. किया है प्लॉट आपने? थोड़ा थोड़ा याद आ रहे हैं सर. ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट किया है? ओके, अगर नहीं याद आ रहा है ना तो मैं आपको बोलता हूँ. लेकिन 10th standard का वो भी ले सकते हैं ना, वाटर का, हीटिंग वाटर. 10th standard का मेरे को याद नहीं है. आइस को हीट करते ना, फिजिक्स में था शायद. हाँ, बट वो यूनिफॉर्म का ग्राफ थोड़ी है. वो मोशन नहीं है ना, बट बड़ी वो टेम्परेचर का ग्राफ है. दिस इज मोशन का ग्राफ. ओके,
या इवन दो दे लुक अलाइक बट अ ग्राफ इज डिफरेंट, मतलब लाइक दोनों अलग अलग चीज है. तो अभी अगर आप ना वो ग्राफ प्लॉट करते ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता था. ड्रॉ किया था आपने वो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिला था आपको? नहीं मिला था, कोई बात नहीं. अगर नहीं मिला था आपको, याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके गाड़ी का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड कॉन्स्टेंट होता है, यू गेट अ स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन. इंक्लाइंड मतलब एंगल पे मिलता है. डोंट फॉरगेट दैट ऑन अवर एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन अवर वाई एक्सिस वी हैव पोजिशन एंड ऑन अवर एक्स एक्सिस वी हैव टाइम. ओके, अभी ना ये लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? ओके, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट व्हाट इज देयर, हम लोग ने 9th में, 9 में किया था, अभी याद आया. व्हाट इज देयर ऑन आवर y? ओपन किया है. अच्छा ओपन किया है, ओके. व्हाट इज देयर ऑन योर y एक्सिस? आपके y एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस, पोजीशन. पोजीशन है, तो इंस्टेड ऑफ y आई कैन राइट x, क्योंकि ये मेरा पोजीशन है. और आपके x एक्सिस पे क्या है? टाइम. टी टू माइनस टी वन. सर एक्स टू माइनस एक्स वन तो डेल्टा x होता है, टी टू माइनस टी वन तो डेल्टा t होता है. बट व्हाट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. ओके वेरी गुड. अभी क्वांटिटी बता, व्हाट इज डेल्टा x अपॉन, हाँ एवरेज वेलोसिटी. क्या कर रहे हो, कमाल करते हो यार. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. माय पॉइंट ओवर हियर इज वेरी सिंपल. इफ यू फाइंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यू गेट एवरेज वेलोसिटी. ये ट्रिक है जो एंट्रेंस में यूज करने वाले. अगर आप इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या मिलता है? एवरेज वेलोसिटी. क्या ये क्लिक हुआ? यस और नो? वो ग्राफ स्टडी कर रहा हूँ जब ऑब्जेक्ट मूव होता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ. तो मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फाई रह रहा है, समझ रहे? फाई तो फाई, इट इज नॉट गोना चेंज फॉर एनी टाइम. तो जब ऐसा केस में ना ग्राफ आता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है इंक्लाइंड. तो उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि इंक्लाइंड ग्राफ के लिए या फिर इंक्लाइंड चीज के लिए स्लोप y2 माइनस y1 है. अपने ग्राफ में जो y एक्सिस है उस पे पोजीशन है, तो मैंने y के जगह x लिखा. ये समझा तुझे? यस सर, ये समझा मुझे. और x के जगह क्या है? टाइम. तो मैंने टाइम लिखा. तो व्हाट इज x2 माइनस x1? डेल्टा x. T2 minus T1, delta T. तो delta X upon delta T होता है average velocity. तो मैंने comment क्या किया? Slope of position time graph is average velocity. अभी click हुआ? Yes sir, अब समझा. Okay. अच्छा, बट आपको slope निकालने का process पता है? क्या करते हैं slope निकालते वक्त? You basically, अच्छा. Sonal, you are gonna tell me because you are yawning right now. इतना interesting topic होने के बाद. So you tell me how to find out slope. Atit, हाँ बोल क्या? याद से करे? नहीं नहीं तेरा माइक ही वर्क नहीं कर रहा है, बोल अभी. तू एक काम कर, पूजा ने माइक लगाने के बाद उसका चालू हुआ था, तू माइक निकाल के बोल. हाँ बोल अभी. हेडफोन निकालना, हेडफोन निकाल के बोल. या फिर मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, मतलब ऐसा बोल रहे हो आओ आओ, क्योंकि मेरे को बाजू का आवाज आ रहा है, तेरा ही नहीं आ रहा है. मतलब आप सिर्फ मुंह हिला रहे हो और मेरे को लग रहा है कि आप बोल रहे हो बट सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे ना? हेलो सर. ठीक है. अच्छा कोई और बताओ. अक्षय ने मेरे को ऑलरेडी बताया. अक्षय बोल रहे हैं सर वी कैन यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो व्हाई डोंट वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लॉजिक. क्या करते हो आप, दो पॉइंट कोई भी फिक्स करते हो. मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया. व्हाट आर यू गोना डू आफ्टर दैट? आप इस पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करोगे लाइक दिस. ओके, यू हैव नॉट अटेंडेड लास्ट लेक्चर, बट लास्ट लेक्चर का कुछ है ही नहीं इसमें.
ये तो आपको स्कूल का पूछ रहा हूँ मैं, तो यहाँ का जो टाइम होगा वो होगा टी वन, एंड इसको अगर मैं नीचे लेके गया तो ये टाइम हो जाएगा टी टू. एग्री, समझा मैंने क्या किया? हाँ सर. ओके, अभी क्या करो, लेफ्ट में लेके जाओ इसको, प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करना बोलते हैं इसको पॉइंट को, तो आपको मिलेगा एक्स वन, एंड इसको लेफ्ट में लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा एक्स टू. सो वी गॉट एक्स वन, वी गॉट एक्स टू. ओके सर, हमें वो फार्मूला पता चल गया. कौन सा वाला? कौन सा फार्मूला सर? m is equal to tan theta वाला फार्मूला. हां वो m यूज करके पहले हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी ढूंढेंगे, फिर उसके बाद वो m is equal to tan theta और टाइम टेबल यूज करना पड़ेगा. हां वही 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 मैं बताने वाला हूं, इतने जल्दी रिवील नहीं करते सब. अरे सर, आपने बोला ना 1000 तो एकदम से क्लिक कर दिया. हां ओके, तो अभी अभी ये क्या हो गया आपको समझा? ये ट्रायंगल कैसे क्रिएट किया मैंने गाइस, कैन यू सी हाउ आई क्रिएटेड दिस ट्रायंगल? सो बेसिकली ड्राइंग दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल हेल्प्स यू टू फाइंड आउट स्लोप. कैसे सर? ये जो दिख रहा है आपको ये 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 जो गैप है ना, ये गैप वो एक्चुअल में आपको x2 minus x1 से मिलता है. सो दिस इज x2 minus x1, ये वाला. और ये जो गैप है ना, ये गैप ये आपको कैसे मिलता है? t2 minus t1 से. तो आपको ना एक कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है, ट्रायंगल. तो मैंने क्या किया समझो, मैंने ये अभी समझो ये रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ किया ना मैंने, तो मैं क्या करूंगा, रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अपना स्केल लूंगा, फिर स्केल से मैं ना वो वाला वर्टिकल लाइन मेजर करूंगा जो x2 minus x1 है ना, वो समझो वो आया 5 सेंटीमीटर. फिर मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मेजर करूंगा जो t2 minus t1 वाला है ना, वो समझो वो आया 2 सेंटीमीटर. तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is nothing but 5/2. तो स्लोप कितना हुआ? 2.5. सर तो ये जो ट्रायंगल है उसको उल्टा मतलब वो साइड भी बना सकते हैं? ना ना, यही साइड बनाते हैं. मतलब अगर ग्राफ ऐसा हुआ ना ऐसा, तो ये साइड बनाते हैं. Getting the logic? तो ये ग्राफ को ऐसा नहीं बनाएगी, ये ट्रायंगल तो ऐसे नहीं बनाने का. Make it as I have shown. ओके तो आपको आपको ये कंसेप्ट समझा कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते? तो इसका मतलब इस ग्राफ का वेलोसिटी है 2.5, तो जो भी स्लोप आएगा जो भी नंबर में वो आपको वेलोसिटी देगा. ये था एक वे. डू यू नो एनी अदर वे? अच्छा, इसने ऑलरेडी बोला ना टैन थीटा वाला. तो अगर आप स्लोप का दूसरा फॉर्मूला देखोगे तो दैट स्लोप का फॉर्मूला इज एक्चुअली टैन थीटा. लेट अस ट्राई टू यूज दैट टैन थीटा वाला लॉजिक, टैन थीटा वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं. ओके, so what is other formula for slope? It is equals to tan theta. नहीं नहीं, simple angle है, polar coordinate use ही नहीं किया मैंने. तो ये theta है, correct? Can you tell me what if I draw a line over here? What will this angle be? Same. कहेगा? तेरे को कैसे पता चला 45 है? मैंने तो बोला ही नहीं 45. अरे सर, वो x एक्सिस और y एक्सिस तो 90 डिग्री है ना, और स्लोप भी कैसे गया 45? इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट. ये वाला एंगल क्या हो गया? ये भी थीटा है ना, 45 नहीं, एंगल हाफ ऑफ 90. नॉट डियर, प्लीज मैं पैर पड़ता हूँ. अगर ये ग्राफ थोड़ा सा स्लांटेड हुआ, अगर ये समझो ग्राफ थोड़ा सा स्लांटेड हुआ तो भी क्या आप 45 बोलोगे? मेरे को बोलने का पॉइंट ये है कि दिस एंगल थीटा 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 इज सेम बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट? तो आपका थीटा क्या है? सेम है. अगर समझो आपका थीटा सेम है, डोंट यू एग्री, समझो आपका थीटा सेम है, डोंट यू एग्री आपका टैन थीटा भी सेम रहेगा? टैन 45 कितना होता है? 1. तो टैन 45 यहाँ पे निकालू, यहाँ पे निकालू, या विल इट मैटर? नो ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. हाँ, तो मैं पॉइंट इज आपका tan थीटा सेम रहेगा, बट tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप. और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वेलोसिटी. तो दैट मींस अगर मेरा थीटा सेम आ रहा है तो मेरा वेलोसिटी सेम रहेगा. एग्री? यस सर. हम लोगों ने ग्राफ किसके लिए पढ़ रहे थे? ये ग्राफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. क्या आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट आ रहा है? यस सर. लीक हुआ?
लिंक लगा सर? ऐसे तो समझ में आया, एक दो एग्जांपल पढ़ करेंगे तो पता चलेगा हम लोग किधर है। ओके ठीक है, एक और चीज देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो रेड लाइन है ये बाय द वे ये ग्राफ किसका है? जब ऑब्जेक्ट कैसा होता है? एट रेस्ट। ओके ओके, सो यू आर क्लियर विद द रेस्ट वाला कांसेप्ट। ओके सो कैन यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन? ये लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या एंगल है? 90 मत बोलो फट के। मैं मेरे को लगा था कोई 90 बोलेगा। जीरो है भाई, वो पैरेलल है। ये देख, ये 90 होता है बड़ी। मैं पूछ रहा हूँ ये लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा विल बी जीरो। सो इफ थीटा इज जीरो, व्हाट विल बी टैन थीटा? दैट इज अवर स्लोप, व्हिच इज विल बी टैन जीरो। टैन जीरो कितना होता है? देखो कंसेप्ट, देखो मैथ, देखो टैन जीरो जीरो होता है। आपका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ बाय दैट लॉजिक? जीरो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। जीरो। नाउ इज इट मेकिंग सेंस? हां सर। ओके तो नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ये मतलब टैन जीरो कैसे आया? वो नहीं सर, वो एंगल क्यों जीरो है? वही बोल रहा हूँ ना, टैन जीरो, वही तो पूछा मैंने। ये लाइन देख, ये लाइन समझ, रेड मैंने नीचे बनाया। अभी बता वो रेड लाइन और ब्लैक लाइन में एंगल क्या है? जीरो। तो ऊपर रहने से क्या प्रॉब्लम होता है तेरे को? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके वेरी गुड सर। दोनों लाइंस का स्लोप ही सेम होगा, नहीं वो कोई भी एंगल? नहीं नहीं, एक्चुअली सुनो डियर, पैरेलल जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कभी नहीं आता। इंक्लाइंड लाइन का स्लोप होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप मतलब एलिवेशन, ऐसा इसको स्लोप बोलते हैं। अब अगर आप पहाड़ चढ़ते हो तो उसको स्लोप क्यों बोलते हैं? आई एम क्लाइंबिंग स्लोप, क्योंकि वो इंक्लाइंड है। आप रास्ते पे चल रहे हो तो बोलोगे क्या आई एम क्लाइंबिंग स्लोप? नो, पहले आप स्लोप वर्ड का मीनिंग समझो तो आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो पैरेलल लाइन का या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। ये कंसेप्ट क्लियर हुए दोनों के दोनों? हां सर। यस सर। ओके तो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर समझो ऑब्जेक्ट निगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ निगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके क्या करेंगे? पोजीशन बनाएंगे, जीरो लेंगे, 40 फिर 30 फिर 20 फिर 10 जीरो माइनस 10 ब्ला 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 ब्ला। ओके और ना ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव पोजीशन, ऑन योर एक्स एक्सिस यू हैव टाइम। ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपना नाम रीनेम करो, जिसने भी आपके पेरेंट्स अकाउंट से लॉगिन किया आपका नाम रीनेम करो। हेम आपका कैमरा अभी भी ऑफ है। प्रिया व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? हाँ सर ऑन। निर्जला आर यू देयर इन लेक्चर?
Shall I remove you, Neha? No, sir. तो कैमरा क्यों ऑफ है आपका? मानसी भाई और कैमरा इज ऑफ. मानसी मनस्वी, आई थिंक यू टोल्ड मी दैट यू आर इन विलेज, करेक्ट? मनस्वी आर यू देयर इन लेक्चर? अर्पिता यू आर देयर इन लेक्चर? अर्पिता आर यू देयर इन लेक्चर? आई गॉट मैसेज फ्रॉम अदर्स. ठीक है, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज टी. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर ग्राफ. क्या करना है अपने को? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है निगेटिव वेलोसिटी के साथ. सो यू हैव टू टेल मी, आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्ट राइट जा रहा होगा कि लेफ्ट जा रहा होगा इफ इट इज निगेटिव वेलोसिटी? लेफ्ट. करेक्ट ना? सिंपल सा लॉजिक है. सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. लेट्स से एट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, जब अपना टाइम 0 सेकेंड था, पहले टाइम बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, देन ओवर हियर लेट्स क्रिएट 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ओके, सो सी व्हाट इज नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव भी जाए. अरे वो तो लिखेंगे ना बाद में. एक्स का वैल्यू तो पहले पॉजिटिव ही है ना, 40, 30, 20, 10, अभी समझ रहे? वो तो बाद में होने वाला है. वैसे आई नो दैट यू हैव टर्न्ड ऑफ द कैमरा जस्ट राइट नाउ. मैं एंड में ही हूँ, मेरे को पहले पता चलता है कैमरा कौन टर्न ऑफ कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अभी क्या होगा, आपका व्हीकल जब स्टार्टिंग में था, जब टाइम क्या था, टाइम 0 सेकेंड, टाइम 0 सेकेंड था, तो आपका व्हीकल कौन से पोजिशन पे? 40. सो यू विल मार्क 40 ओवर हियर. After that, what happens? आपका vehicle 1 सेकेंड में आगे चला गया. It is now on the 30 mark. Okay? So what is gonna happen for 1 second? 30 mark. Next for second, 20 mark. And so on. Can you see a pattern getting form over here? This is nothing but a straight line. वो मेरा actually exact properly line नहीं आया, but you got the overall idea. So you get a straight line which is actually declining. So decline line मिलता है आपको. Not inclined. क्या मिलता है? Declined line. Clear हुआ concept? Yes, sir. Okay, अभी अगर समझो आप slope find out करना चाहते हो. So what is the slope? M equals to tan theta. Correct? So we need to calculate angle. This is where I want you to remember one important thing. The angle that we measure, we actually measure it with positive x-axis. तो ये जो राइट साइड है ना आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से एंगल आप मेजर करोगे. यू आर नॉट गोना मेजर दिस एज योर एंगल. ओके, यू आर नॉट गोना मेजर दिस एज योर एंगल. इंस्टेड दैट यू विल मेजर दिस एज योर एंगल. तो आप थीटा क्या मेजर करोगे? ये वाला आप मेजर करोगे थीटा. लॉजिक समझा? यस सर. इज दिस एंगल ऑब्ट्यूज? यस सर. ओके, लेट मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ. अज्यूम मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो एंगल है वो 120 है. एज्यूम कर रहा हूँ. तो इफ यू पुट इट लाइक दिस ना, तो यू गेट टैन 120 व्हिच इज इंटरेस्टिंगली -√3. नेगेटिव √3 आता है. नाउ पॉइंट ओवर हियर इज वेरी सिंपल. आपका एम होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी ना, स्पीड नहीं वेलोसिटी होता है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? -√3, दैट इज नेगेटिव. तो स्लोप के मदद से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ नेगेटिव वेलोसिटी का ही है. क्या ये क्लियर हुआ? सर ये थीटा कहाँ से मिलता है? और मेजर करना पड़ता है प्रोट्रैक्टर से या फिर ग्राफ में मेंशन होगा, मतलब क्वेश्चन में मेंशन होगा. और अगर -10 हुआ तो फिर वो कैसे प्लॉट करना है? थीटा -10 है? नहीं, थीटा नहीं. अगर मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं ना
तो अभी तो 20 पे है ना, मतलब ये कार, तो अगर वो माइनस 10 पे हुआ तो क्या हो गया? तो तेरे को ग्राफ नीचे प्लॉट करना है, ये हो गया माइनस 10 और माइनस 10 के कौन से सेकंड पे हो रहा है, लेट्स से 5 सेकंड, सो पॉइंट यहाँ पे आएगा। गेटिंग द लॉजिक? यस यस। ओके, तो आप कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, वो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आई गेस आपको, हाँ बोल सर। और अगर आप dx और उससे फाइंड आउट करना हो तो, मतलब x2 - x1 / t2 - t1 से। हाँ तो कोई बात नहीं ना, उसमें क्या बड़ी चीज है। ये बोल रही है कि सर मुझे एंगल नहीं पता, यू टेल मी हाउ कैन आई फाइंड आउट यूजिंग x2 - x1। सो आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी एक ट्रायंगल क्रिएट करोगे। दृष्टि व्हिच ऐप यू आर यूजिंग, बार बार क्यों क्लोज हो रहा है? प्रिसिला शाला रिमूव यू। तो अभी अभी क्या होता है, अभी आप देखो, अगर समझो आप पॉइंट प्लॉट करते हो, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट। सर आपने इधर ही क्यों प्लॉट किया, आपको दूसरी जगह करना है करना डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रोसेस समझो, पॉइंट किधर भी हो डजंट मैटर। आप क्या करोगे, ये जो वन पॉइंट है उसको पहले ये ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, क्या ट्रायंगल, स्लोप बना देंगे। अभी क्या करोगे, ये वन को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करोगे, फिर ये इसको टू को एक्सटेंड करोगे, फिर इसको एक्सटेंड करोगे, फिर इसको एक्सटेंड करोगे, ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। नाउ कैन यू फाइंड आउट स्लोप का वैल्यू बाय यूजिंग y2 - y1 / x2 - x1? यस सर। उसको समझा क्या, बट जिसने डाउट पूछा था? सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था बीच का एक मिनट में। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, आई विल शो यू लाइक दिस। मैंने कोई भी दो रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किए, सी आई हैव सिलेक्टेड टू रैंडम पॉइंट, आफ्टर सिलेक्टिंग रैंडम पॉइंट आई हैव स्टार्टेड और आई हैव क्रिएटेड अ ट्रायंगल कनेक्टिंग दिस टू रैंडम पॉइंट्स। अभी क्या किया मैंने, वो वन पॉइंट को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया, फिर टू पॉइंट को एक्सटेंड किया, सिमिलरली आई हैव एक्सटेंड वन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक समझा? हाँ सर। हाँ फिर देख, तेरा ये जो वन का ये जो डेटा है ये y1 हुआ, considering it as a y-axis, ये हो गया y2, similarly ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया x2. Now can you calculate slope if you know the value of y1 which is 30, y2 which maybe is 15, x1 which is maybe 1 and x2 2.5. Can you calculate slope now? हाँ sir। हो गया फिर। Very good guys, so you got the overall idea कि आपको समझ गया कि कैसे solve करना। चलो, आई होप इट्स क्लियर, कंसेप्ट समझा कैसे करना है नेगेटिव वेलोसिटी। पर सर आपने सब पॉजिटिव वैल्यूज ही लिए थे। हाँ तो, बट व्हीकल तो लेफ्ट जा रहा है ना, व्हीकल नेगेटिव वेलोसिटी से मूव हो रहा है। सी इवन आई हैव टेकन -10 वैल्यू एज डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, इसके नीचे और -20 भी बना सकता था, -30 भी बना सकता। निगेटिव इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। इज योर व्हीकल गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड? यस, देन इट विल बी निगेटिव वेलोसिटी। इफ इट इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड इट विल बी पॉजिटिव वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बट देन सर द ट्रायंगल विल बी ड्रॉन बिलो द एक्स एक्सिस, नो? यू हैव ड्रॉन इट अबव द एक्स एक्सिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Even if you, since this particular graph is a straight line, na, straight inclined line, even if you draw the triangle below over here, matlab agar tune yahan pe triangle bhi draw kiya na aur uska bhi slope nikala na, still you will get the same answer. Samjha? Matlab idhar ka triangle, idhar, aur even triangle ka size bhi change kar degi na, phir bhi tujhe same answer aayega. Are you getting my point? So triangle ka location doesn't matter because angle is same. Matlab ye jo angle ban raha hai na apna theta 120, वो यहाँ पे भी 120 ही है। सो इवन इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ ट्राइंगल, इवन इफ यू फाइंड आउट स्लोप एनीवेयर, चल इधर छोड़, तुझे इधर फाइंड आउट करना है बीच में, कर सकती है। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। और भी बेसिक अगर कंसेप्चुअल डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट
मूविंग विथ ऑसिलेटरी मोशन. व्हाट एग्जैक्टली इज क्वेश्चन है. हाँ बोलना सर. समझो एक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, वो शुरू होता है 40 से, वो डिग्रेड होता है, डिक्लाइन होता है उसका स्लोप 20, फिर उसका तो फिर से मतलब जाता है 40. तो मतलब अगर स्लोप देखे ना. तेरा आवाज बीच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हवा आ रहा है. सर अब आ रही है आवाज? हाँ प्रॉपर बोल. सर अगर हम लोग मतलब एक पार्टिकल लेंगे फॉर एग्जांपल, वो 40 से शुरू हुआ उसका इनिशियल वाला इनिशियल है, 40 से 20 पे गया, फिर 20 से 40 पे गया, उसका जो मतलब 40 से 20 गया. हाँ बोल. फिर 20 से 40 गया. हाँ सर, उसको बस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम लोग, मतलब वो एक का डाउट है कैसे करेंगे. हाँ तो बता दो ना. अरे तू मेरे को नेक्स्ट ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है अभी मैं बता ही देता हूँ. So he's asking what happens if the object is moving like that. Okay. Boys, Ayush, camera क्यों off हो रहा है आपका? आप मुंबई में आ चुके हैं मुझे पता है. अक्षय कैमरा ऑन कर. Okay. So see this particular mobile. Okay, over here. तो अभी ये mobile है ना, वो क्या पूछ रहा है पता है क्या? Sir, अगर आपका object है ना ऐसे move हो रहा है, then ऐसे आ रहा है, ऐसे move हो रहा है, then ऐसे आ रहा है, then how will you plot the graph? What kind of what is this kind of motion? It is known as oscillatory motion या फिर vibrating motion. Along y-axis देखोगे तो it will vibrate like this. Are you getting it guys? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. हाँ sir. वो भी वही पूछ रहा है, वो भी वही पूछ रहा है कि गाड़ी अगर 40 to 20 जा रहा है, 20 to 40 जा रहा है तो क्या होगा? तो मैं बोलता हूँ चल ना देखते हैं ना उसमें क्या है. तो अगर समझो ये 0 हुआ, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 40 हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास गाड़ी हुआ. और ये गाड़ी कैसे हो रहा है देखो, ध्यान से डायग्राम देखो. 20, 40, 20, 40, 20, 40. This kind of motion where object oscillates right left या फिर up down about mean position is known as vibratory motion या फिर oscillatory motion. तो object एक बार to end पे जाएगा, object एक बार pro end पे जाएगा, and while doing so it will pass through common point that is mean position. Okay, try to remember these words: to, mean, pro. So object is actually moving to fro, passing through mean position. Okay, so vibration का ना standard definition अपने को दूसरे topic में आएगा, वो oscillation करके chapter है उसमें. Currently just like touching it, to and fro motion of an object about its mean position is known as oscillatory motion. To and fro motion of an object about ऐसा concept. ओके तो अभी ट्राई करते हैं कि ये जो ग्राफ है वो हम लोग प्लॉट कर सकें. व्हाट इज हैपनिंग? इसमें नेट प्रॉपर? ओके यस सर, आपकी आवाज में क्लियर आ रही है. नहीं कैमरा ब्लैकआउट हुआ था सबका. हाँ बोलो ना सर. इज मीन पोजीशन द मिडिल पोजीशन? मिडिल पोजीशन यस. तो एक्सट्रीम पोजीशंस दो होंगे और उसका मिड होगा, दैट इज मीन पोजीशन. सो दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम, दिस इज राइट एक्सट्रीम. तो एक को टू बोलेंगे, एक को फ्रो बोलेंगे, एंड द मिड पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन. ओके जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, आज ये टॉपिक में तो अपने को ये लगने नहीं वाला. सो लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सो व्हेन वी ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ नाउ, इट विल लुक लाइक दिस. देखो, सो ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव एक्स, दैट इज पोजीशन, एंड ऑन योर एक्स एक्सिस यू हैव टाइम. तो ये एक्स हुआ, ये टी हुआ. नाउ इफ यू ट्राई टू क्रिएट द ग्राफ, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ओके अभी इसने क्या बोला, इसका मोशन है ना 20 और 40 में फ्लक्चुएट हो रहा है. लेट्स से द जर्नी बिगन एट 20. तो जब टाइम 0 था तो अपना पॉइंट 20 था, तो हमने क्या किया, बनाया. After that what happened? Time 2 second के लिए उसका vehicle 40 पहुंच चुका था. Time 1 second के लिए. तो हमने क्या किया? 1 second के लिए 40 plot किया. फिर क्या हुआ? Next second में वो फिर return आ गया 20 पे. So 2 second के लिए 20. Next second में वो फिर चला गया 40 पे. So we have plotted for 40. Next second में फिर 20 and फिर 40. So the graph that we get will look like this. This is the graph of oscillatory motion. Position change हो रहा है. Clear? Yes, sir.
प्रिया आर यू फीलिंग स्लीपी? नहीं ना सर, वो कदा जा रहा है। ओके तो ये हो गया कंसेप्ट आपका क्लियर। तो एक लास्ट ग्राफ बचा है आपका एंड दैट ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज। इमेजिन इट दिस वे, आड़ा टेढ़ा लाइन जाएगा ना, आड़ा टेढ़ा मतलब। अब एक एग्जांपल बता दो आपको, आपको याद है मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट सिखाया था। अगर समझो डिस्प्लेसमेंट नंबर्स में आ रहा है तो आपका मोशन यूनिफॉर्म होता है मोस्टली, बट इफ यू आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस वन, सॉल्व किए थे ऐसे इक्वेशन हमने। यस सर। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है ना डियर, अगर आप ना टाइम को वन डालोगे आपको एक्स का आंसर डिफरेंट आएगा। इफ यू पुट टाइम एज टू यू विल गेट एक्स का आंसर एज डिफरेंट। माय पॉइंट इज दैट योर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग व्हाट इज गोना हैपन, यू आर नॉट गोना गेट अ स्ट्रेट लाइन एज अ ग्राफ। तो आपको ना कर्व मिलता है एंड दिस कर्व कैन बी एनी टाइप ऑफ कर्व, सो एनी रैंडम टाइप ऑफ कर्व यू विल गेट। चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा अदरवाइज। सो यू विल गेट एनी रैंडम टाइप ऑफ कर्व, दिस कर्व कैन बी लाइक दिस, दिस कर्व कैन बी लाइक दिस, दिस कर्व कैन बी लाइक दिस। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट विल बी क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओके बट आई एम गोना एज्यूम अ सिंगल कर्व। मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कर्व है ना, जो मेरा मोशन है वो ये कर्व ऑबे करता है। I am assuming मेरा motion हमेशा ये करेगा, बिल्कुल नहीं। I am saying there are infinite possibility, तो curve कुछ भी दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। Concept याद रख, concept में क्या करेंगे, we are gonna study the graph on your y axis you will have displacement, on your x axis you will have time, after that let's create a graph। ये था आपका non uniform का graph, मैंने जानबूझ के एक random curve लिया। अभी ऐसे केस में अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे पता है, आप पहले कोई भी पॉइंट चूज करोगे, पॉइंट के बाद टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देन उस टेंजेंट का स्लोप क्रिएट करोगे और वही स्लोप आपको देगा वेलोसिटी। क्या प्रोसेस है, फर्स्ट यू विल सिलेक्ट एनी रैंडम पॉइंट, देन यू विल ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दैट पॉइंट, देन यू विल फाइंड आउट स्लोप ऑफ दैट लाइन, दिस स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी। तो आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो, आई एम गोना चूज दिस एज माय पॉइंट। सो वंस आई चूज दिस एज माय पॉइंट आई कैन नाउ ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। डन। टेंजेंट क्या होता है, इट इज द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट फॉर एनी कर्व, करेक्ट? हैव यू स्टडीड टेंजेंट इन स्कूल? यस सर। यस सर। यस सर। सो वी हैव ड्रॉन टेंजेंट, सो पॉइंट इज डन, टेंजेंट इज डन, let's call this particular point as point P. So point is done, tangent is done, next time slope, whatever. So how can you find out slope? There are two methods. First, you can either find out angle using protractor. The second method is creating a triangle. Dono method samjhe aapko? Coordinate wala zyada क्या नहीं समझा दोनों मेथड, मतलब आपको आपको स्लोप वाला मेथड नहीं समझा, कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल ड्रॉ? ट्रायंगल वाला इजी है वो, थोड़ा एंगल वाला हार्ड है। अच्छा एंगल वाला हार्ड है, रुक मैं बताता हूँ तेरे को, एंगल वाला हार्ड है बोल रहा है तू। यहाँ पे एक लाइन खींच, क्या तू प्रोट्रैक्टर के मदद से एंगल मेजर कर सकता है? यू नो हाउ टू मेजर एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर? हाँ सर। हाँ तो समझिए एंगल 30 आ गया, तो तेरा स्लोप हो गया tan 30। Now, which is easy? Finding out y2, y1, x2, x1, then subtracting them, then taking their ratio, or directly finding out angle. लेकिन सर अगर एंगल का वैल्यू नहीं मालूम रहेगा तो फिर कोऑर्डिनेट, अगर समझ एंगल ही दिया और कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं तो ये भी तो है ना सिनारियो, अगर सिर्फ एंगल दिया है एंड कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। माई पॉइंट इज दैट अगर दोनों डेटा प्रोवाइडेड है then in that case angle 1 is much better, समझ रहा है? हाँ जी। ऐसा और किसको ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा बताओ फिर से? अरे हम लोग ट्रायंगल करते हैं ना, इसने क्वेश्चन पूछा था किसी गर्ल ने मुझे
सर आप स्लोप निकाल के, फिर मैंने बोला था पता है इसको एक्सटेंड कर नीचे, इसको एक्सटेंड कर, फिर इसको लेफ्ट साइड में, याद आया क्या? हाँ सर। हाँ तुम लोग ना खाते नहीं हो लगता है। अरे देखो मैंने सिर्फ दो चपाती खाया, मेरे में कितना एनर्जी है। सर मैंने खाना ही नहीं खाया। अच्छा तो अभी क्या 3:30 बजे खाओ? हाँ वही करना पड़ेगा ना। ठीक है have some snacks ना, side by side कुछ snacks खा लेना। I don't have any problem। और अगर कोई खा रहा है तो उसको देखो मत, अपना snacks खुद खाओ। तो so this is the slope of the graph। Okay, तो आपको slope मिल गया, तो ये slope से मिलेगा। But don't you agree guys, don't you agree कि आपने जो velocity find out किया, वो एक point पे find out किया है। This is the point I'm talking about। समझ रहे हो? Yes sir। Okay, that means you are actually calculating velocity at a specific instant. Instantaneous velocity. Yes, that means the velocity that you get over here is not average velocity. The velocity that you get is actually instantaneous velocity. Now let's go back to the equation wala logic. आपको याद है हम एक ये equation solve करते थे, है ना? हम ये इक्वेशन सॉल्व करते थे जो टी स्क्वायर वाला है वो, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी निकालते थे बाय यूजिंग dx बाय dt। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद लेट्स से वी गेट इक्वेशन 2t+3, करेक्ट? फिर क्या करते थे आप? टाइम पुट करते थे, टाइम इक्वल्स टू 2 मे बी या फिर 1। सो ये वाला प्रोसेस भी तो इंस्टेंटेनियस का ही प्रोसेस हुआ ना, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? स्पेसिफिक टाइम। चीजें मैच हो रही है क्या? लॉजिक समझ रहा है? हाँ सर। ओके, बस यही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, आपको लॉजिक समझना। तो अपने पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गए। आई एम गोना डू अ क्विक रीकैप ऑफ द डिफरेंट ग्राफ्स दैट वी स्टडीड। हाँ बोल सर। तो ये कर्व लाइन का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ओके, टू फाइंड आउट कर्व लाइन का एवरेज वेलोसिटी यू नीड टू फर्स्ट फिक्स टू पॉइंट्स। यू कैन नॉट कैलकुलेट वन पॉइंट। तो आपको दो पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे, लेट्स से ये ए है, ये बी है। फिर आप ए का पोजीशन कैलकुलेट करोगे एक्स से, टाइम कैलकुलेट करोगे टी ए, बी का पोजीशन कैलकुलेट करोगे एक्स बी, टाइम कैलकुलेट करोगे टी बी। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, वेलोसिटी फाइंड आउट को एवरेज, सो दैट विल बी एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। लॉजिक समझा? हाँ सर। तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगा वो ये ए से बी प्रोसेस तक का मिलेगा, पूरे प्रोसेस का एवरेज वेलोसिटी। बट जो मैंने फाइंड आउट किया, हाँ बोलो सर, तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो भी रेक्टिलिनियर मोशन ही है ना? हाँ हाँ बराबर है। सॉरी रेक्टिलिनियर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, 2D नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी। सो नॉन लिनियर, नॉन यूनिफॉर्म है बट वो लिनियर ही है। मतलब अभी एग्जाम्पल देता हूँ, समझो गाड़ी है, ओके, और ये गाड़ी रोड पे चल रही है, सो इट इज एक्चुअली मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, बट द थिंग इज दैट द स्पीड ऑफ दिस व्हीकल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो पहले 3 meter per second था, आफ्टर दैट 5 हो गया, आफ्टर दैट 1.5 हो गया, आफ्टर दैट 2 हो गया, आफ्टर दैट 4 हो गया। आर यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं। तो बट मोशन तो स्ट्रेट लाइन पे ही हो रहा है ना, सो व्हीकल इज नॉट मूविंग इन 2D, 2 dimension, इट इज स्टिल मूविंग इन 1 dimension. Just the data of velocity is changing, and because of that you get this graph. We are done. अच्छा सर, बोल। वो आपने बताया average velocity निकालने का, तो फिर हम लोग को पहले a का a point a का instantaneous velocity निकालना पड़ेगा, फिर b का निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को minus करना है। Correct. Okay. नहीं ऐसा मत कर। ना ऐसा मत कर। पॉइंट ए का इंस्टेंटेनियस डायरेक्टली निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकाल के मत सब्ट्रैक्ट कर। तू क्या करने जा रहा है? तू इसका इधर टेंजेंट निकाल के स्लोप निकालेगा, फिर वी आएगा, फिर इधर आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। ये क्यों करना है तेरे को? डायरेक्टली ए के लोके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं ना, एक्स ए टी ए, एक्स बी टी बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर, क्योंकि जो तू बोल रहा है ना वो आंसर अलग देगा। गेटिंग इट? ठीक है सर। हाँ ओके। नहीं बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। सी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो ऐसे टाइप का डिस्कशन है कि आपको चीजें समझनी चाहिए, आपको डाउट्स आने चाहिए। जब आपको डाउट आ रहे हैं तो आप प्रॉपरली समझ रहे हो चीजों को। ओके, यहाँ पे वो मैंने
डेटा लिखा नहीं है तो एक और नोट यहाँ पे ऐड करते हैं टू फाइंड वी एवरेज सिलेक्ट टू पॉइंट्स एंड यूज देयर कोऑर्डिनेट्स ओके So we are done with the position time graph का logic. एक और graph का logic करना है वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा then we will start solving numericals. Okay? तो ये हो गया sir, आपका question है. बोलना. Sir, अगर for example एक object का मतलब जो slope है वो ऐसा है कि दोनों slope से मतलब equally inclined है मतलब inclination और declination वो लोग का मतलब fixed है. मतलब एक ऐसा है और एक ऐसा है ऐसा बोल रहे हैं. नहीं उसका उल्टा करो सर और ट्रायंगल को उल्टा कर दो तो एक बार मोशन ऐसे हो रहा है और एक बार मोशन ऐसे हो रहा है करेक्ट हां तो वो लोग का मतलब जो थीटा एंगल निकलेगा वो कैसा होगा मतलब तो अगर समझ तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट So using theta 1, you can find out slope 1. Using theta 2, you can find out slope 2. Now clear? Okay, sir. I'm sorry. Very good. Oh, sorry, yeah? Decline ka obtuse rahega, incline ka acute rahega. Bas. Supplementary rahega? No, not necessary. Not necessary. Not always. Theek hai. So we will continue. With the next concept guys and that next concept is nothing but velocity time graph okay abhi jaise position time graph mein kya karte the ki y axis pe position hota tha वैसे velocity time graph mein kya karenge hum log velocity find out karenge just give me a second sir bolna सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ में हमने वो टेंजेंट से एंगल निकाला था जो स्लोप था तो सर आपने सेकंड भी मेथड बताया था एवरेज वेलोसिटी का तो सर उसमें हम स्लोप नहीं ढूंढ सकते ना क्योंकि वो कर्व है नहीं हम डायरेक्टली स्लोप नहीं निकाल सकते तो सर फिर सिर्फ एंगल से मिलेगा स्लोप एंगल भी नहीं निकाल सकते ना कर्व में That is why you have to plot tangent. हाँ सर, हाँ सर, मतलब वो directly उसमें ना अगर तू ऐसे मतलब तू slope निकालने की कोशिश करेगी for curve it's not possible. This is the answer. You cannot actually find it out. Getting it? Yes sir. हाँ तो वो method वहाँ पे फिर ये हो जाता है fail हो जाता है there is no way to find it out ऐसा सर. तो ये हो गया velocity time graph. अभी velocity time graph में पहला वाला graph पढ़ेंगे. कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब आपका वेलोसिटी जो है ना वो सेम रहेगा तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा अरे अगर समझो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है तो मतलब फाई का फाई हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज यू गेट अ ग्राफ विच इज लाइक दिस मिला आराम से मिल गया कोई बड़ी बात नहीं है ओके नाउ लेट्स डू समथिंग स्पेशल फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ Why don't we find out area under this graph? Isn't it a rectangle, I guess, है ना? Yes, sir. Okay. So area under this particular graph is actually x into y. X into y. So area of this graph will be equals to x-axis into y-axis. Now this is the important formula that we are going to use for other graphs. ये थोड़ा याद रखो मैं आपको इसके बारे में और कुछ सिखाने वाला हूँ मैं नोट लिख के देने वाला हूँ आपके नोट्स में ऐड होगा ये इंपॉर्टेंट नोट है थोड़ा सुनो एक्स एक्सिस पे वी हैव वेलोसिटी सॉरी टाइम वाई एक्सिस पे वी हैव वेलोसिटी व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम एक्सेलरेशन एनए सॉरी व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम अरे डिस्प्लेसमेंट हां सो इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट करेक्ट ज्योतिका So it will give you idea of displacement. My point is that if you find out area of velocity time graph, it will give you displacement. Another important topic, another important note.
क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज क्लिक हुई? यस सर। किसी को नहीं समझा है क्या? किसी को नहीं समझा? अगर अगर समझो, अगर समझो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया तो गाइस, व्हाट इफ दे गिव यू ग्राफ लाइक दिस, तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? उसमें क्या अटक है? ट्रेपेजियम। हाँ, यू कैन ईदर यूज ट्रेपेजियम और यू कुड फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट इसके अंडर का एरिया आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। गेटिंग द लॉजिक और नॉट? हमें रेक्टेंगल का फाइंड करना है ना एरिया। हाँ, पहले रेक्टेंगल करेंगे सर, वैल्यू पुट करो ना फिर पता चलेगा। वैल्यू क्या पुट करना है? स्कूल में किया है तूने ये? स्कूल वाली चीजें अभी थोड़ी करेंगे सब कुछ। स्कूल में ये था ना, प्रूफ भी था इसका, याद नहीं आ रहा? इक्वेशंस प्रूफ किए थे आपने इससे, s equals to ut plus half at square वाला। हाँ, बट है सम है, करते हैं वैल्यू सॉल्व करते हैं, एक सम करेंगे, टेंशन ना लो। ये वाला आता है? हाँ, इसके ऊपर सम आते हैं ना, मतलब कंसेप्ट है ना, तो सम तो आएंगे इसके ऊपर। प्रूफ नहीं करना है अपने को, प्रूफ ऑलरेडी स्कूल में सीखे आपने। सर यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन नहीं आएगा? आया ना इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल आया ना इंक्लाइंड? ये नहीं सर, वो पहले वाला ग्राफ, वो तू xt ग्राफ कर रही थी, करेक्ट? xt ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस। यहाँ पे कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कहीं पे भी जा तेरा वैल्यू 5 ही रहेगा, तो इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, दैट इज व्हाई यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ग्राफ अलग है ना, पहले xt पढ़ रही थी, अभी क्या पढ़ रही है? वेलोसिटी टाइम। नहीं समझा अभी भी? नहीं सर। ओके ठीक है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म ही ना, वो चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी। बराबर है तो सर, तो मुझे फिर हाँ, फिर तो मुझे ये क्यों ऐसा लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों आएगा? ठीक है, मजा देखो, लेट्स डू दिस, लेट्स क्रिएट अ व्हीकल ओवर हियर। यहाँ पे गाड़ी है, ओके okay, अभी ये गाड़ी जा रही है विद द 5 मीटर पर सेकंड। ओके, लेट्स प्लॉट सम पॉइंट्स, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, अभी जब टाइम 0 सेकंड था तब आपका स्पीड था गाड़ी का 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो टाइम 0 था तो गाड़ी का स्पीड था 5। टाइम 1 सेकंड हुआ, गाड़ी आगे चला गया, बट गाड़ी का स्पीड अभी भी 5 है। So for 1 second your speed is 5, for 2 second your speed is 5, for 3 second your speed is 5. What do we get? Straight line. तो सर उधर वो incline क्यों आया था फिर? तू position time graph पढ़ रही है, why are you equating position time graph with velocity time graph? That graph was position time graph, दोनों में फर्क है, उसके y axis में position था या इसके y एक्सिस में वेलोसिटी है, हाउ कैन वी गेट सेम ग्राफ? आर यू गेटिंग इट नाउ? ओके सर। ओके, तो ये अच्छा सुनो ना, आप मेरे को ना अभी देखते हैं आपका बेसिक लॉजिक कितना अच्छा है। अगर समझो मुझे ग्राफ एंडुगुंडु दिया है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस लुक लाइक दिस ग्राफ। ओके, एंड नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन आई फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट? सो वन थिंग इज फॉर श्योर, आई कैन फाइंड आउट एरिया। So I can find out displacement equals to area under the graph. Chalo, no problem with that. But agar aapko ye samjhe ki area under the graph, how can you find out this area? Because there is no set formula that you can think of. What do you do in that case? Aapne wo samjhaya tha na, kya tha? Box chota point lene ka. Haan, short, barabar hai. प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, समझा? इंटीग्रेशन नॉन यूनिफॉर्म में कितना
कौन सा वैल्यू वो होता है आपके पास, लिमिट्स होता है, मतलब ग्राफ कहाँ पे स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म होता है वो आपको मालूम होता है। मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि नॉन यूनिफॉर्म केस में यू हैव टू रिलाई ऑन कैलकुलस, समझा? दैट्स व्हाई वो डेरिवेटिव है ना, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ऐसे नहीं जितना लगता है उतना ये नहीं है वो, मतलब फालतू, इट्स एक्चुअली वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, ये ग्राफिक समझा, मेरे को नोट लिखना है, मेरे को ये पेजेस थोड़े कॉपी करने हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आई वांट पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके ओके फाइव बस डन क्लोज। This app is wonderful, actually. हाँ, तो क्या आपको ये ग्राफ समझा, velocity time का पहला वाला? फटाफट फटाफट बाकी के ग्राफ देखते हैं। Second graph that I'm going to teach you is this. When object is moving with uniform acceleration, okay? So that means the acceleration is constant. So why don't we plot v on our y-axis and time on our x-axis, okay? So let's begin our journey. Just a second, eh? Okay, when the object is moving with uniform acceleration, so object kya ho raha hai, move ho raha hai with uniform acceleration, aise case mein aapka graph jo hota hai na, wo graph kuch is tarah se upar jata hai aise. Actually graph agar samjho origin se start hua, it indicates that initial velocity zero hai. That means गाड़ी रेस्ट पे था, हमने गाड़ी का इंजन चालू किया, then we जो भी है स्टार्टर दबाया, then the vehicle started moving out. But अगर गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है, जब हमने स्टडी करना चालू किया तब गाड़ी ऑलरेडी मोशन में था, then we will have some kind of initial velocity over here. Is it clear? Yes. Logic समझा? Very good. So you got u over here. अभी आफ्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन सिंपल कंसेप्ट, ओके? अगर समझो मैंने ऐसे केस में इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश की, तो वो स्लोप कैसे आएगा? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोप। व्हाट इज स्लोप का फॉर्मूला? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, करेक्ट? सो इनडायरेक्टली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ऑन अवर वाई एक्सिस वी हैव वेलोसिटी, on our x axis we have time. What is change in velocity upon time? acceleration. So you got one more important thing, right? Slope of velocity time graph is average acceleration. What is slope of position time graph? velocity. So slope of position time graph is velocity, slope of velocity time graph is acceleration. And area of velocity time graph क्या होता है? What is area? Displacement. तो ये तीन main चीजें हैं।
बाकी तो आपको वो tan थीटा का कांसेप्ट वगैरह सेम अप्लाई होगा, जैसे थीटा थीटा सेम है ब्ला 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 ब्ला, सो यू गॉट द आइडिया. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, बट बिफोर वी मूव ऑन व्हाई डोंट वी ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल दैट इज गिवन इन द बोर्ड टेक्स्ट बुक. तो ये बोर्ड टेक्स्ट बुक का सम है, जस्ट मेरे को अच्छा लगा इसीलिए मैंने दिया है. सो दे हैव गिवन अस अ ग्राफ, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आई वॉन्ट यू टू लुक केयरफुली फॉर दिस ग्राफ एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So the first question they are giving is this: initial speed of the car. Initial speed is always calculated when time is zero. जब आपका time zero है, तो velocity कितना दिख रहा है आपको? ये graph है, zero. This is actual graph. So velocity is zero. So that means initial speed of the car कितना हुआ? Zero हुआ. पहला answer done. Next, maximum speed attained by the car. ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन. ऐसा कौन सा पार्ट है ग्राफ में, ऐसा कौन सा पार्ट है जो जीरो एक्सेलरेशन शो करता है? ए बी. लेट मी टेल यू वाई. बिकॉज जब ए बी आप देख रहे हो तो आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह रहा है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है. क्लियर? यस सर. यस सर. नेक्स्ट वाला फोर्थ पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. बी सी. क्योंकि देखो वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है ना. पहले 20 था, फिर 15 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है. तो वेलोसिटी ड्रॉप कब होता है? जब रिटार्डेशन होता है. लास्ट वन, distance traveled by the car in first 6 seconds. 110 meters. So 6 second में कितना calculate किया वो calculate करना है. कैसे करेंगे हम लोग? We will first have to consider 6 second तक का graph. तो देखा ये graph मैं उसको highlight कर देता हूँ, आपके नजर की आपकी नजर में रहना चाहिए इसीलिए. और ये जो है ना 6 second, उस 6 second के लिए आपको area find out करना है. So once you find out area, you will get the data or you will get the value of displacement. क्या भी आपको समझा? फाइंड आउट करो ना इसका एरिया. एरिया किसका फाइंड किया? ये अभी देखो तेरे 0 to 6 seconds बोला है ना, 0 to 6 seconds. तो 0 to 6 seconds को हाईलाइट करेगी तो 0 to 6 seconds के लिए एरिया कैलकुलेट करेगी. डोंट यू एग्री? इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यस सर. तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ into base into height. What about area of rectangle? Length into breadth. So pehle na half likha, base ka value kitna hai? Ye, that is 3. So I'm gonna write 3. Height kitna hai? That is 20. Can you see? Ye 20 hai height. So I'm gonna write 20. Length kitna hai? Ye, 3 to 6 ke beech mein. 1, 2, 3. 3 hai wo. So 3. Breadth kitna hai? 20. So now once you solve it, you will get 3 tens of 30 plus 60. Answer is 90 meter. So aapka displacement kitna hua? 90 meter. Ya phir distance jo bhi bolo. Clear? Samjha kaise use kiya area ko? Kisi ne to pucha tha na ki sum kaise solve karenge? Yes. Clear now? Very good. Aise area ke upar na bahut question aayenge. Aur main jo aapko dene wala hu na, aapko task 3, usme bhi aise questions hai. आपको ग्राफ दूंगा, चीजें अलग दिखेंगे, मतलब रैंडम दिखेंगे, एंड देन उसमें आपको एरिया निकालना है टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हुआ? यस सर. वेरी गुड. यू गाइस आर गुड. सर एरिया, सर कोई ग्राफ आया उसमें डेरिवेटिव यूज होगा तो सर वो मेजरमेंट देंगे ना जो भी इक्वेशन है? हाँ, बट तुझे पता है क्या, ग्राफ में ना वो नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, सॉल्विंग के लिए नहीं आता. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि इसमें इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आया तो डायरेक्ट वो इक्वेशन वाले सम होंगे जो हमने टास्क 2 में सॉल्व किया ना, वैसे वाले. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. थर्ड ग्राफ देखो, फटाफट सम्स करने. ऑब्जेक्ट मूविंग विथ रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन. क्या होता है देखो, ग्राफ नीचे जाता है. ये तो आपने बीसी वाले पार्ट में भी देखा ना. चलो नेक्स्ट वाला, लास्ट वन. ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको पॉइंट लेना है,
टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो आपको इस केस में क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे पोजीशन टाइम में क्या मिलता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, ये वाला ग्राफ समझा, नीचे क्या बनाया वो बता रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने तो खाली यस बोला। ओके अच्छा, तो अभी इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको प्रोसेस पता है ना, एंडू गुंडू ग्राफ का एरिया निकालने का, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। हाँ तो ये डेरिवेटिव पहले लिया मैंने, एक छोटा रीजन सिलेक्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये डीटी होगा, क्योंकि हम लोग टाइम एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो टाइम एक्सिस को स्मॉल में डिवाइड किया, दिस बिकम्स डीटी। फिर क्या आता है, इंटीग्रेशन, तो डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर द ग्राफ, जिसमें हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा बस। तो फॉर्मूला सेम है, जैसे आपने कैसे किया था, एरिया इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे भी सेम है, जस्ट इंटीग्रेशन आया। क्यों इंटीग्रेशन आया, ग्राफ एंडू गुंडू है इसलिए। गेटिंग माय पॉइंट, खत्म यार, और क्या चाहिए आपको, ग्राफ समझ गए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, बट बिफोर दैट आई एम गोना टीच यू वन एंट्रांस का ट्रिक। ओके सो फॉर शॉर्टकट यू नीड टू रिमेम्बर इट। अगर समझो आपके पास एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, एंड उस ग्राफ के यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है एंड ओवर हियर यू हैव वाई एक्सिस। अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि इसका एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा, देन यू हैव टू डू इट लाइक दिस। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ग्राफ, यू विल मल्टीप्लाई टू एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। Let's try to understand this in a better way. तो मैं कुछ examples यहाँ पे solve करने वाला हूँ. Try to observe these examples. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने velocity time graph देखा, correct? So let us plot that velocity time graph. तो अगर समझो मुझे इस graph का area निकालना है, तो my area will be, ध्यान से सुनो, x-axis into y-axis. तो आपका x-axis है t, y axis है v, so you get vt which is nothing but displacement. ये ट्रिक तो आपको समझ गया था। I'm gonna take another graph now, okay? So why don't we take this graph? देखते हैं अभी ये किसको आता है। ये ग्राफ है between force and time. तो अगर आपको समझो एरिया फाइंड आउट करना है, तो that will be force into time. Momentum. अच्छा करेक्ट है, एक्चुअली इससे मोमेंटम ही मिलेगा, बट इट इज चेंज इन मोमेंटम। तो एफ इनटू टी चेंज इन मोमेंटम होता है, और इट इज अनदर वर्ड नोन एज इंपल्स। तो ये आपको चेंज इंपल्स सुना है आपने? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने बोला था एक बैच में, बट कुछ नए स्टूडेंट भी है ना, तो चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स। ओके ये क्लियर हुआ, इम्पल्स क्या है बाद में देखेंगे। एक और ग्राफ है एग्जाम्पल, आपको ये थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाला है। ऑन अवर वाई एक्सिस वी हैव पी, एंड दिस पी लेट मी राइट क्लियरली इज प्रेशर, एंड ऑन अवर योर एक्स एक्सिस यू हैव समथिंग व्हाट वी कॉल एज वी, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो ऐसे केस में अगर समझो आपने एरिया निकाला, ओके सो दैट विल बी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। डू एनीवन ऑफ चेंज इन डेंसिटी, सुनो जब भी आपको ना, आप ना ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं समझता, मेजरमेंट्स यूज करो। मेजरमेंट्स में आपने क्या सीखा, यू हैव टू यूज यूनिट्स, करेक्ट? सो लेट्स यूज यूनिट। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर डियर, क्या होता है प्रेशर का यूनिट? कम ऑन रे फालतू ही रहो, प्रेशर का यूनिट फोर्स अपॉन एरिया। ओ हां यूनिट बता बड़ी विवेक, बराबर है यूनिट बता। फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वेरी गुड विवेक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। व्हाट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, चल यार ये तो बता। मीटर क्यूब नॉट लीटर, लीटर इज नॉट एसआई यूनिट, इवन दो वी यूज लीटर इट इज नॉट एसआई यूनिट। ओके मीटर क्यूब हुआ, यू कैन सी सम कैंसिलेशंस हैपनिंग ओवर हियर। Can you see? क्या बचा? न्यूटन इंटू मीटर। What is न्यूटन मीटर? अभी सोचो।
फोर्स वन पास्कल फोर्स भी नहीं वो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ फोर्स टेल नो टेल अ मोमेंट ऑफ फोर्स इट कैन बी यस टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मास इनटू एक्सेलरेशन वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन डिस्प्लेसमेंट का मीटर तो न्यूटन मीटर क्या देता है अपने को वर्क डन यूनिट के साथ खेलना सीखो ये होता है ये यूनिट के साथ खेलना सो दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू जूल ऑल्सो सो वी कैन कंक्लूड दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा वर्क डन क्या लॉजिक समझा कैसे सॉल्व करते हैं अरे मैं सबका यूनिट चाहिए ना हाँ पढ़ी तो सीखेगा अरे तुमको नहीं पता कि यूनिट कितने टाइम आपकी हेल्प करेगा अभी आपको लग रहा है यू आर नॉट यूजिंग देम लाइक एट फुल पोटेंशियल ट्रस्ट मी देयर इज अ चैप्टर इन योर 12th स्टैंडर्ड एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड ऑफ एनसीईआरटी बट इट इज देयर इन इंजीनियरिंग ऑल्सो नेम इज फ्लूइड मैकेनिक्स टू सर्वाइव दैट चैप्टर यू शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ यूनिट्स क्योंकि यूनिट्स वो चैप्टर में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है आपको मैकेनिक्स सीखना है ना प्रॉपरली मैकेनिक्स अंडरस्टैंड करना आपको यूनिट्स सारे जमने ही चाहिए यूनिट्स आर वेरी बेनिफिशियल सो ट्राई टू प्ले विद देम जैसे मैं खेल रहा था ये इसको बोलते खेलना यूनिट के साथ तो आपको खेलना सीखो तो आपको मजा आएगा कोई भी अगर आपको पहले ही खेलना आता ना ये तो आप तुरंत बोलते थे कि सर ये तो एनर्जी होगा या फिर उसने जैसे बोला ना कि सर इट विल बी मोमेंट ऑफ फोर्स तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी करेक्ट है But in this case, we don't get moment of force, we get work done. Okay, so you got the hint? Let's try to solve some numericals now. Entrance wale, directly entrance ke books hai. Okay, it will play advertisement now first. So the question goes like this. I hope you are ready with your notebooks and all that stuff. Just a second. Let me find proper question for you. इधर तो मैंने पढ़ा था इधर ही मिल गया बहुत नीचे है ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन इज दिस फाइंड डिस्टेंस traveled by particle in 4 seconds okay and your options are 60 meter b 55 meter c 25 meter d 30 meter and the graph goes like this okay so on your x axis y axis you have velocity On your x-axis, you have time, and the graph that they have given. Just let me draw that. Thank you.
so I'm done finally. So this is the graph, okay? And let me plot the times and all the variables that they have given for you. So this will be 1, 2, 3, 4. Then this is 0. This over here is 10. This over here is 20. This over here is 30. Okay. तो दिस इज द ग्राफ. क्या करना है आपको? डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है 4 सेकंड में. वी वांट टू ट्राई इट. व्हाट विल बी द लॉजिक? क्या करोगे इस यहाँ पे? सर इसका एरिया निकलेगा. सर एक बार ट्राई करने दो. हाँ हाँ एरिया तो अभी निकालो. एरिया डोंट टेल मी दैट कि सर मेंसुरेशन चैप्टर हम लोगों को डिलीट किया था. बट इसमें तो नहीं सर, नहीं ओमेंट किया. चलो ट्राई टू फाइंड इट आउट गाइस. ट्राई टू फाइंड इट आउट. एरिया ही फाइंड आउट करना है. करेक्ट लॉजिक है. कैमरा क्यों ऑफ है? ओके, आई डोंट हैव आइडिया वारी. विल वेट अ लिटिल बिट. सर ये फिगर में दो रेक्टेंगल है ना? या यू कुड से दो रेक्टेंगल है. आया किसी को आंसर? सो आई गॉट वन. सर 2 सेकंड बस, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे हूं. ओके वारी करेक्ट आंसर. मानव करेक्ट आंसर. सो आई गॉट 2 आंसर्स करेक्ट. पूजा इनकरेक्ट. और किसने भेजा है? ज्योति का इनकरेक्ट. दृष्टि करेक्ट. सर इसमें बेस क्या लेंगे? रमेश करेक्ट. कौन सा वाला बेस? दीक्षा इनकरेक्ट. नहीं फाइंड जब मतलब रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का लेंगे तो ये अभी समझ. तो ट्रायंगल लेगी तो बेस क्या हुआ? 0 1 के बीच में क्या गैप है? 1. तो बेस 1 हुआ. रेक्टेंगल में 1 और 2 के बीच में क्या हुआ है? 1. तो 1 होगा. रमेश इनकरेक्ट. देवांशी इनकरेक्ट. कम ऑन यार, इसमें इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? कम ऑन यार. क्या किया आपने? अरे वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे क्या? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ये कौन सा शेप होता है? ये वाला ट्रेपेजियम. हां तो ट्रेपेजियम ये नहीं होता. वो राइट साइड भी थोड़ा कर्व में होना चाहिए तो ट्रेपेजियम. क्यों ऐसा थोड़ी होता है? अरे समझ. ट्रेपेजियम का
सर हाँ बोलो अभी ये तो स्क्वायर है ना मतलब लास्ट वाला हाँ तो इसका आयुष करेक्ट है बाकी किसका नहीं करेक्ट है अभी हाँ बोल बोल क्या बोल रही है तो फिर इसका एरिया तो कर निकाल सकते हैं ना उसमें क्या है देखो पहली बात तो आप ना दो वे से निकाल सकते हो आप अगर समझो इसका कंबाइंड एरिया निकाल सके तो फिर ये एंड द लास्ट वन इज ये तो तीन एरिया में निकलेगा बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको टोटल क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 आर यू गेटिंग द लॉजिक ऐसा करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ वो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है एरिया का किसी ने ट्रेपेजियम का लॉजिक यूज किया है यस सर क्या है फॉर्मूला बता मैंने तो बीच में 9 खींच दिया पैरेलल साइड्स इनटू हाइट तो हाइट ना वही मेरे को याद है तो उससे राइट आया ना तेरा आंसर यस सर सो लेट्स यूज ट्रेपेजियम का लॉजिक गाइस तो ट्रेपेजियम ना यहां पे ये जो दिख रहा है ये ट्रेपेजियम हो रहा है पहला वाला येलो वाला मैं जानबूझ के हाईलाइट करके आपको सॉल्व करके बताता हूँ ट्रेपेजियम क्यों क्योंकि आप 5 चीजों का एरिया नहीं निकाल सकते यू ओनली हैव 1 मिनट करेक्ट तो इन दैट 1 मिनट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू यू हैव टू सॉल्व इट विद इन 1 मिनट तो अभी समझो अभी आप ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे सो ट्रेपेजियम का एरिया होता है लेट्स कॉल इट एज A1 इज नथिंग बट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ओके तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पैरेलल साइड्स कौन से है ये हुआ पैरेलल साइड एक और ये हुआ पैरेलल साइड ये वाला जो साइड है वो क्या है 1 और 2 के बीच पे तो ये 1 हुआ एग्री ये वाला साइड क्या होगा 2 हुआ सो वी कैन राइट इट एज हाफ इनटू 1 + 2 इनटू हाइट कितना है हाइट विल बी दिस पैरेलल साइड क्या तो 20 हो गया सो दिस हो गया एरिया 1 सो दिस विल बी 2 + 2 + 1 = 3 23 इज अ या फिर 10 × 30 आएगा ना ये हाँ सर यस सर तो A1 आया 30 m² A1 हो गया लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द अनदर ट्रेपेजियम ओके तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए हाँ तो हो गया इसका एरिया निकालते हैं अभी इसका एरिया कैसे निकालोगे लेट अस कॉल इट एज A2 A2 क्या होगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हुआ पैरेलल साइड ये हुआ पैरेलल साइड तो ये कितना हुआ 20 ये कितना हुआ 10 सो दिस विल बी 20 + 10 इनटू हाइट बिटवीन देम या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम 2 और 3 के बीच में 1 होता है सो ये इसका आंसर हो जाएगा 30/2 दैट इज 15 क्या ये समझा A2 नहीं सर ये क्या है ये देख ये भी ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम ही है ना हाँ सर तो मैंने क्या किया मैंने ये साइड लिया सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये 20 ज्योति का करेक्ट ये 10 तो 20 + 10 और ये हुआ उनके बीच का डिस्टेंस 3 - 2 दैट इज 1 क्या अभी समझा सर समझा ओके एंड द लास्ट एरिया दैट इज दिस 1 ये तो सबसे फालतू एरिया है A3 दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड लेंथ है अपना 1 दिस लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 10 सो वी गेट 1 × 10 आंसर इज 10 m². सो इफ वी ऐड देम टुगेदर दिस विल बी 15 + 10 25 + 30 दैट इज 55 सो टोटल एरिया विल बी एडिशन ऑफ A1 + A2 + A3 व्हिच इज नथिंग बट 55 m². क्या अभी समझा कैसे सॉल्व किया मैंने हाँ आपने अगर वो ट्रायंगल विंगल करके करते तो भी वो वही आंसर आएगा नो इश्यू बट द प्रोसेस इज लेंथी बस यही प्रॉब्लम है मुझे बाकी कुछ नहीं रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर चलो अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ देखते आपको आता है कि नहीं सर हमेशा लोग एरिया ही पूछेंगे ढूंढने के लिए भी वो एक क्वेश्चन ग्राफ का एरिया वाला सिखाया मैंने कि और आएंगे रुक अलग अलग वेरिएशन है सो देयर आर मल्टीपल वेरिएशन अभी ये क्वेश्चन देखो कैसे बोलता है
okay, for given position time graph, दिमाग लगाना है ये क्वेश्चन का, given position time graph, find acceleration, नहीं, comment about acceleration of particle during given interval. Okay, तो कुछ intervals दिए आपको graph में, like एक interval है OA, एक interval है OA, फिर दूसरा interval है AB, फिर तीसरा इंटरवल है बी सी, फिर चौथा इंटरवल है सी डी, और ऑप्शंस क्या क्या है पता है? ए इंटरवल के लिए ओ ए पॉजिटिव होता है, ए बी जीरो होता है, बी सी प्लस होता है और सी डी प्लस होता है। तो आपको ये देखना है ओ ए इंटरवल के लिए क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पूछा है ना, क्या ए बी के लिए जीरो है, तो ये सारी चीजें मैच हुई देन योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई एम गोना क्रिएट ग्राफ, अभी तक ग्राफ बनाया नहीं है, जस्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ। माइनस जीरो प्लस जीरो, सी प्लस जीरो माइनस प्लस डी, एंड ग्राफ पोजीशन टाइम है वो उन्होंने मेंशन किया है, माइनस जीरो माइनस जीरो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट ग्राफ नाउ। बट ग्राफ के कंसेप्ट फन होते हैं, मतलब लॉजिकल होते हैं, आपको अगर कंसेप्ट पता है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो छोड़ ही दो। सॉल्विंग ज्यादा नहीं होता, लॉजिक ज्यादा होता है। ओके, बिगिन, ट्राई करो, लॉजिक लगाओ। ठीक है, आपका पोजीशन मैं बता देता हूँ। ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव पोजीशन, ओके, ऑन योर एक्स एक्सिस यू हैव टाइम। ओके, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शंस बताया, लेट मी चेक, फोर्थ वाला ना ग्राफ का, या इनकरेक्ट है, जितने लोगों ने आंसर बताया सबका इनकरेक्ट है, लेट मी जस्ट चेक, बहुत हाई कर रहे हो। देवांश इनकरेक्ट, रमेश इनकरेक्ट, कृष्टि इनकरेक्ट, नेहा इनकरेक्ट, वारी इनकरेक्ट, मानव इनकरेक्ट, आयुष इनकरेक्ट, पूजा इनकरेक्ट, सबका इनकरेक्ट। ऐसे ही ये मतलब एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, कुछ तो ट्रिक होगा ना, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी देंगे। देवांश इनकरेक्ट, मनस्वी इनकरेक्ट, मुस्कान इनकरेक्ट, निधि इनकरेक्ट, आर यू श्योर अबाउट इट? ऐसे बोला है कि सॉल्व करके बोला है? प्रियंका इनकरेक्ट, देवांश, अक्षय इनकरेक्ट। शैल आई टेल यू, आपको आंसर नहीं आ रहा है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मेरे हिसाब से बोल दिया मैंने अभी, सॉरी,
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अभी क्यों वो बताता हूँ. नहीं नहीं सब गलत है. अभी लॉजिक देखो आप. आपको ये दिख रहा है ए बी. ए बी में पोजीशन कांस्टेंट रहता है. जब पोजीशन सेम रहता है तो वेलोसिटी जीरो होता है. आई टॉट यू दिस. ये सबको क्लिक हुआ होगा. जब पोजीशन कांस्टेंट होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम योर वेलोसिटी. लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ ग्राफ एट द बॉटम. वी विल डिस्कस इट ओवर देयर. तो सर ये ग्राफ हम लोग को वेलोसिटी टाइम से कन्वर्ट करना था. नहीं जरूरत ही नहीं थी. इतना मेहनत क्यों करने का. मैं बता दो तेरे को. मतलब तू कर सकता था बट दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. जस्ट गिव मी अ सेकंड. अभी देखो आपको ये ग्राफ मिला दैट इज ए बी. ओके यहाँ पे आपका जो x है x वो कांस्टेंट रह रहा है. व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. तो ए बी के लिए आपका जो x है दैट x इज कांस्टेंट. अगर समझो x कांस्टेंट है दैट मींस पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी हो जाता है जीरो. और वेलोसिटी जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगा. जीरो ना. तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. जीरो हो गया. सेकेंड वाला लॉजिक देखो. ये वाला ग्राफ देखो. ये सीडी. अगर आपको ऐसा स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन मिलता है तो आई थिंक मैंने आपको सिखाया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है. एग्री. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है. जीरो. जीरो ना. अरे एक्सेलरेशन क्या है. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट जीरो. तो एक्सेलरेशन दो लोकेशन पे जीरो आ रहा है. एक ए बी पे आ रहा है एक सी डी पे आ रहा है. माइक देखो कितना. सर सी डी. सी डी वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हुआ ये नहीं समझ. कमाल करते हो पांडे जी. देखो ये ना ग्राफ से क्या है तुम लोगों को. और पूछ रहे हो सी डी कांस्टेंट कैसे नहीं आया. किधर गया. अरे पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे. पोजीशन टाइम ग्राफ. ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैसे मिलता है ग्राफ. याद आया सर. ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है ना. इसलिए वो तो एकदम ऐसा इनप्रॉपर था. उसमें कुछ भी तो सीडी वाला पार्ट देख ले. एक मिनट माइक किसका क्लिक से पूछना. अरे महान लोग वो. ये देखो ये देखो सीडी. तो तेरे को इम्प्रॉपर पूरा ग्राफ थोड़ी देखना है. तेरे को कौन सा पार्ट देखना है. सिर्फ सीडी वाला पार्ट देखना है. क्या सीडी वाला. हाँ सीडी वाला ग्राफ इंक्लाइन जा रहा है. यस. स्ट्रेट जा रहा है. यस. तो स्पीड कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो. अच्छा ओए वाला पार्ट. अच्छा ओए वाला पार्ट मैं समझाने वाला हूँ. मैंने अभी तक ओए आया किधर में ओए पे. तो ना आपके पास जीरो जीरो के दो ऑप्शन है. देखो ये है एक जीरो जीरो का ऑप्शन. ये दो फिर लटक गए. बी एंड डी में कंफ्यूजन है. अभी देखो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है. एक हिंट बताने वाला हूँ आपको. एक हिंट बताने वाला हूँ. जबी भी अगर आप देखोगे ना टाइम प्रोग्रेस हो रहा है और आपका पोजीशन डिक्रीज हो रहा है. मतलब ये वाला ग्राफ देखोगे ना. ये ग्राफ एक्चुअली ना अगर यूनिफॉर्म ग्राफ होता तो सीधा जाना चाहिए था. बट रादर देन दैट वो लाइन है वो कर्व हो रहा है टूवर्ड्स टाइम एक्सिस. देख रहा है ये लाइन जो है ना ओए वो टाइम एक्सिस के तरफ बेंड हो रहा है. ऐसे ऐसे पहले ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे बेंड हो रहा है. इन दैट सिनारियो वी से कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन ड्रॉप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब एक गाड़ी इमेजिन करो. गाड़ी तुम लोग गाड़ी चला रहे हो और वो गाड़ी चल रहा है. गाड़ी का पोजीशन कब ड्रॉप होगा. एक्सेलरेशन होगा तब कि डिसेलरेशन होगा तब. डिसेलरेशन. दैट मींस व्हेनेवर यू सी अ ग्राफ जो टूवर्ड्स पोजीशन टाइम ग्राफ जो टूवर्ड्स टाइम बेंड हो रहा है. जैसे देखो अगर समझो मैंने आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया होता. स्ट्रेट लाइन ऐसे है ना. तो ग्राफ ऐसे जाता. बट आपका ग्राफ ऐसे नहीं. आपका ग्राफ बेंड हो रहा है. बेंड कहाँ पे हो रहा है. टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है. सो इन दैट केस दिस इज डिसेलरेशन. तो यहाँ पे मैं आपके लिए नोट लिखता हूँ कि व्हेन ग्राफ. और अगर सर पोजीशन एक्सिस की तरफ जाता तो एक्सेलरेशन होता. तो इसीलिए ये बीसी क्या हुआ. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस हुआ और ये क्या हुआ माइनस. सो व्हेन ग्राफ बेंड्स व्हेन एक्सटी ग्राफ. सही था ना क्वेश्चन. यस सर. मेरे को ग्राफ वाले क्वेश्चन इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें ना दिमाग बहुत लगता है. मतलब लाइक
होता है कभी कभी डिफिकल्ट आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होते हैं कि जो कोर तक तेरा कंसेप्ट चेक करेंगे. सो व्हेन एक्सटी ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस वी गेट रिटार्डेशन. एंड रिटार्डेशन क्या होता है? निगेटिव होता है. ओके, ये एनसीईआरटी वाला पार्ट है. एनसीईआरटी में ना इन्होंने यही ग्राफ को सेपरेटली ड्रॉ करके बताया, बट मुझे नहीं लगा कि ये नेसेसरी आपको सेपरेट कंसेप्ट की तरह बताना. मैं बोला कि अगर आप एग्जाम्पल में इसको याद रखोगे तो और बेटर याद रहेगा, इसलिए मैंने उसको नोट्स में ऐड नहीं किया. मेरे पास जगह ही नहीं है, कहाँ पे लिखूं इसको. अच्छा नहीं दिख रहा है सर, एरो को और नीचे कर दो ना, टी के नीचे. अरे हाँ, वो भी कर सकते थे. एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन ही लेक्चर एंड करेंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हो? होमवर्क में मैं क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ. अभी तक दिया नहीं है. नोट्स तो आपको लिखना ही है, पता है ना? आप नोट्स लिखते हो कि नहीं? यस सर, लिखते हैं हम लोग. तो नोट्स, एक तो होमवर्क होगा ही नोट्स का. एंड द सेकंड, उनको कैंसिल करके पोजीशन डाल दो. अरे हाँ, यस यस, यू आर राइट. नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा. लेट्स ऑल लास्ट क्वेश्चन. आप तब तक खाना परोसने को बोल दो घर पे. अश्विनी बोल रही है मैं खुद लेके आऊंगी खाना. शी इज मूविंग अ लॉट. एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं. मेरे को ढूंढना पड़ेगा फिर. आजा बाबा डायरेक्टली. सो ये क्वेश्चन है फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज वीटी ग्राफ. फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो आपको दोनों चीजें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, बाय बॉडी इन 6 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी है वो. ठीक है, जाने दो, वो लिखता हूँ. आपको ग्राफ दिया है. एक ही चीज मैं आपको यहाँ पे हिंट दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट प्लस एंड माइनस साइन. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू डोंट हैव टू रिस्पेक्ट प्लस एंड माइनस साइन. वो तो हमेशा प्लस ही आएगा. हिंट समझा मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें प्लस एंड माइनस साइन को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है. अभी आगे का आप सोचो, मैं तो आपको बना के देता हूँ ग्राफ. ओके, लेट मी राइट डाउन डिस्टेंसेस. तो ये 0 है, फिर ये 4 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है. नहीं सॉरी, 3 इधर है, ये 4 है, फिर ये 6 है, और ये भी है ना, ये 2 है. ग्राफ प्रोपोर्शनेट नहीं है, बट ठीक है, चल जाएगा. Can you try it for me? Sir, question तो दिखा. हाँ, एक मिनट. Question दिख नहीं रहा है. ये लो. ये रहा question. Sir, y-axis पे -2 आएगा ना?
हाँ वही माइनस टू, उन्होंने दिया नहीं है बट वो माइनस टू ही है। ओके सर थैंक यू। अरे ऑप्शंस नहीं लिखे ना मैंने, बोलो तो सही सर ऑप्शन लिखे। ठीक है दीज आर योर ऑप्शन। सर एक और चाहिए सर, इधर वो 4 और 6 है ना। हम्म, वो दोनों के बीच का जो y एक्सिस है। हां यस 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 यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तो वो प्लस 2 है। हिंट याद रखो, हाँ हिंट याद रखो, फिर बोलना मत सर ने हिंट नहीं बताया। अच्छा ऐसे लेवल के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो क्या? सर इसमें एरिया ही ढूंढना है ना। So Vari has given me one answer. Let me check Vari. Yes, absolutely correct. So I got one answer. Huh? Waiting for others. अच्छा इंडिविजुअल रेक्टेंगल के एरिया निकालो ना। इसका एरिया नहीं समझ रहा है क्वेश्चन गाइस, किसी को और नहीं आ रहा है रे, ऐसे कैसे? ठीक है चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं सर, एक मिनट। अरे करना तो कुछ समझ। हाँ हाँ करो करो। देवांशी करेक्ट आंसर, अक्षय इनकरेक्ट आंसर। सर सर ऑप्शन बताओ ना एक बार। पूजा पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा है, बाद में डिस्टेंस पूछा है। देवांशी के बाद दृशिका का करेक्ट आंसर आया है, अक्षय करेक्ट आंसर, पूजा करेक्ट आंसर। ठीक है दैट्स इट, I'm gonna solve you how, I'm gonna show you how to do it. चलो पहले रेक्टेंगल का एरिया बताओ कितना आया फटाफट, लेंथ इनटू ब्रेड दैट इज 2 इनटू 4 आंसर आया 8. सेकंड रेक्टेंगल का क्या आया सर? सर एक लास्ट बार माइनस 4 सर एक बार। हां हां मेरी एरिया 2 हो जाएगा, एरिया पहले प्लस में ही निकालो रुको। That will be, क्या हो जाएगा 2 into 4 तो 4 into 2 नहीं नहीं रुको रुको 2 into 2 ये 2 है ये 2 है, आंसर ए है जिसका ए आंसर आया वो करेक्ट है, सो ये हो गया 4। ये वाला करो 4 और 6 के बीच में कितना गैप है 2 का, सो ये हो जाएगा 2 into ये कितना हो जाएगा ये 2, सो 2 2 जा यहाँ तक सबको आया होगा आई गेस है ना। अभी अभी ट्रिक बताता हूँ, जो डिस्टेंस होता है पहले तो उन्होंने डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट हमें हाँ माइनस साइन को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री। तो मैं तीनों एरिया को एड कर रहा हूँ बट सिंस दिस एरिया इज इन द निगेटिव साइड, नीचे है ना वो, तो वो निगेटिव हो जाएगा एंड दैट इज वाई योर आंसर विल बी 8 माइनस 4 प्लस 4 आंसर विल बी 8 मीटर। एंड अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो तो
So since distance is a scalar quantity, it will be addition of everything. That is 8 plus 4 plus 4. That is nothing but 16 meters. Now is it easy? Yeah. Very good. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. मैं अपडेट करता हूँ. हाँ नोट्स भेजता हूँ. कैन यू चेक माय मैसेज योर मैसेज. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बट आई डिड इट विदाउट कैलकुलेटिंग. कैसे किया तूने? मतलब लाइक सो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस दैट्स व्हाई. ओ या very smart. And both can't be equal. Yeah, you are absolutely right. No, both can be equal. Huh? This is where you could have been wrong. अगर समझ motion straight line में होता है ना, तो displacement and distance same होता है. अगर समझ if I am moving in the positive x axis, if I move for 5 meter, then my distance will be 5 meter, my displacement will also be 5 meter. The moment I change my direction, at that time displacement will vary. Getting my point? Yes, sir. So these two are also valid option then, 8-8 and 16-16. So your logic will not act, actually it's partially correct, partially not. But it's a good thinking. So always think like that. Getting it? Yes, sir. उसने क्या बोला समझा आपको? Just time pass के लिए सुनो. जाने से पहले वो बोली कि displacement is always shorter than distance. Shortest होता है. तो 8 short हुआ 16 से. तो 8 ये this is the correct option. बट एट द सेम टाइम उसने एक मिस्टेक किया कि 8-8 इज ऑल्सो पॉसिबल आंसर क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल. तो 8-8 16-16 का पॉसिबिलिटीज भी ओके है. देयर इज नो बैड नथिंग बैड इन इट. ओके चलो फिर बाय बाय टेक केयर. आई विल सेंड यू नोट. अगर समझो हाँ वही बोल रहा हूँ. अगर समझो मैंने होमवर्क के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड नहीं किए तो ये नोट्स लिखना ही होमवर्क होगा. बट देन टास्क नंबर 3 विल बी अ कंपल्शन. हर एक को टास्क 3 सबमिट करना ही पड़ेगा जितने क्वेश्चन आएंगे उतना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर. ओके अगर होमवर्क विल बी सेंडिंग इट टुडे टास्क ना टास्क 3. यस ओके सर. थैंक यू सर. बाय बाय सर. थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यू टाइम दो ना. कितना? 2 दिन का क्या टास्क के लिए? हां सर. टास्क वही तभी जब भी फ्रेश नॉलेज है तभी सॉल्व करोगे तभी आएगा. एक दिन इज मोर देन इनफ. मैं एक दिन देता हूँ पूरा. या विद सॉल्यूशन आई विल. हाँ विद सॉल्यूशन मतलब ग्राफ में क्या सॉल्यूशन लिखोगे? बट आप ये ट्राई करो आप अगर लॉजिक आपको जो लगा ना वो लॉजिक लिखो. लाइक फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है तो इसलिए ये आंसर आया. तो ऐसा लॉजिकल लिखो तो मेरे को थोड़ा सा समझेगा कि आपको कब कितना समझा है. और आज का सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ. हाँ टास्क टू का सेंड कर रहा हूँ. सर जो आपने सम किया था अभी तो उसमें A2 माइनस 4 आना चाहिए ना? अरे वो तो चल जाएगा ना. बट एरिया माइनस नहीं लेते ना हम लोग. वो डिस्प्लेसमेंट आया इसीलिए माइनस लिया एरिया. ओके सर. हाँ बोलना. हाँ सर ये फिजिक्स मेरा फर्स्ट लेक्चर था. इसके पहले का कुछ भी नहीं है मेरे पास. ओके तो व्हाट यू कैन डू फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मतलब ये जो लेक्चर्स है ना ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड होते हैं. सो यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. बट उसमें ना